खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए एबीपी न्यूज पर लगातार जो आतंकी हमला देश पर हुआ उसकी बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं सोचिए जरा ये देश आज इस तरह से देख रहा है इस शहादत को कि जिनके कंधों पर इस देश का भार है जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि तिरंगा लहरा कर देश की आन बान शान की रक्षा करें अगर आज उन्हें तिरंगे में लिपटा हुआ देखकर हमें उन्हें आखिरी विदाई देनी पड़ रही है तो ये देश पूछ रहा है कि शहादत का बदला क्यों ना लिया जाए और ऐसे लिया जाए कि फिर ऐसा मंजर ऐसा दर्द वा सौ करोड़ भारतीयों के इस देश को भारत को देखना ना पड़े हम आपको बता दें एक तरफ जहां हम अपने शहीदों को आखिरी विदाई दे रहे हैं वहीं नम आंखों से दिल के भीतर दृढ़ प्रण करके हम ये कह रहे हैं कि ये फिर नहीं होने देंगे आतंक और उनके आकाओं को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसकी गूंज विश्व में सुनाई दे आज हम तीन लोग जो लगातार इस पूरी खबर को आप तक पहुंचाते रहे हैं मैं नेहा पंत मेरे साथ मेरी सहयोगी रूबिका और साथ ही मेरी सहयोगी रोमाना हम तीनों मौजूद हैं और हमारे साथ बेहद खास मेहमान मेजर जनरल बख्शी जो जो हमसे ज्यादा समझते हैं हैं कि कि घाव घाव देश को मिला है है उसका दर्द क्या है? वो जानते है कि अब इस घाव का जवाब कैसे देना है और आज जब मेजर जनरल जी डी बक्शी बोलेंगे तो पूरा देश सुनेगा कि आखिर पाकिस्तान को किस भाषा में जवाब दिया जाए मेजर जनरल जी डी बक्शी रक्षा एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है बहुत बहुत स्वागत है आपका जनरल बख्शी पहला सवाल मेरा आपसे प्रधानमंत्री ने इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश से वादा किया है बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी सर वो बहुत बड़ी कीमत क्या हो सकती है देखिए साहब मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूं कि इकहत्तर की लड़ाई के बाद मैंने पहली बार ये इस किस्म का जो है आक्रोश का माहौल इस देश में देखा है यार एको बंद करो आक्रोश का माहौल इस देश के अंदर देखा है जिसके चलते इकहत्तर का युद्ध हुआ था शानदार जीत हुई थी आज हमारी जनता का जो है सब्र का बांध बिल्कुल टूट चुका है कितनी कैजुअलिटी हम सहेंगे तीस साल हम जो है मुंह बंद करके सहते आए हैं तीस साल कोई सब्र की हद होती है कोई इम्तिहान की भी आपकी हद होती है कि कहां तक हमारा पेशेंस टेस्ट किया जाएगा मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पाकिस्तान ने ये जो नापाक हरकत अभी करी है ये उसको महंगी पड़ेगी ये हम वायदा दे सकते हैं क्योंकि अब इस देश की पूरी जनता इतने आक्रोश में है कि अगर महाभारत पाकिस्तान को चाहिए अरे तो वो होके रहेगी हो के रहेगी और मैं बता दूं इस मुल्क को कि आपने जैश ए मोहम्मद का पिछली भी दो तीन बार जब इस्तेमाल किया था तो ऑलमोस्ट युद्ध की स्थिति आई थी युद्ध की स्थिति पर आए ला गए थे इतना आपको शौक है कि आज ये जैश ए मोहम्मद बड़ी शाम से इजहार कर रहा है कोई डिनाइल नहीं है हाँ हमने किया ये कह रहे हैं ये लोग इसका तो जवाब देना ही होगा ये हम आज देश यही तो सवाल पूछ सवाल पूछ रहा रहा है है और जब पूछा जा तो कई ऐसे रक्षा विशेषज्ञ है जो ये बात कह रहे हैं कि जवाब देंगे आप वक्त मत मांगिए ना ऐसे जवाब फौरन नहीं दे दिए जाते हैं उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है बहुत प्लानिंग लगती है और वो मेहनत और प्लानिंग शुरू हो गई है जीडी बख्शी साहब आप इस पर मुझे जवाब दे उससे पहले दर्शकों को यह बताना बहुत जरूरी है कि आप यहां पर महज ऐसे ही रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर नहीं बैठ गए हैं आपने खुद की जंग लड़ी है एक बटालियन की कमान की जिम्मेदारी आपने ली है और उसके लिए आपको विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया ऐसे में आज की तारीख में एक वॉर वेटरन की तरफ से कही हर बात को पूरा देश सुनेगा जी डी बख्शी साहब और इसीलिए अब यह सवाल कि क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान से जंग लड़ लेगा ये बहुत बहुत तीखा सवाल भी और पॉइंटेड सवाल भी है मेजर जनरल जी डी बक्शी देश यही पूछ रहा है जंग होगी कुछ और देखिए मैं सिर्फ दो टूक शब्दों में कहूंगा जंग हो सकती है इस वक्त कुछ नाजुकी है इस मामले की मेरे जो साथ के मेरे जो हाथ के ट्रेन किए हुए हैं वो मुझे बड़ी खुशी है आज कि वो ऊंचे ऊंचे दर्जों पेदों पे हैं। आज बड़ा भारी जिम्मेवारी का भार उनके उनके कंधों पे है मैं पाकिस्तान की मदद नहीं करना चाहता ये बता के कि किस तरह और कब और कैसे आपके ऊपर वार होगा पाकिस्तान को स्ट्यू करना पड़ेगा अपने जूस में थोड़ी देर आपने हिमाकत की वो है लेकिन मैं आपको एक ब्रॉड एक सैनिक विशेषज्ञ की हैसियत से जिसने काफी लड़ाई देखी है ना सिर्फ मैं कारगिल में लड़ा हूं मैं किश्तवाड़ में लड़ा हूं जहां मुझे सेना मेडल दिया गया था मैं रजौरी पुंछ में लड़ा हूं जो लड़ाई का मैदान था इस देश में महां, महां लड़ चुका हूं मैं पंजाब में भी आतंकवाद के साथ जूझ चुका हूं तो मैं कुछ तजुर्बे से कह रहा हूं देखिए भारत की सशस्त्र सेनाओं के पास आज के दिन देर इज अ होल रेंज ऑफ ऑप्शन रेंज ऑफ ऑप्शन हजारों ऑप्शन है हमारे पास और ये काउंटडाउन का मीटर आज नहीं शुरू हुआ कल परसों नहीं शुरू हुआ ये तीस साल से हमारे साथ हो रहा है बहुत कुछ प्लान बने हुए हैं कंटिजेंसी प्लान हैं, आप फिकर ना करिए ज्यादा देशवासियों को अब फिकर करने की जरूरत नहीं है अब ने ये ने मामला प्रधानमंत्री जी ने सेना के हाथों में सौंप दिया है ठीक वैसे जैसे उन्नीस में बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री ने जी ये सेना के हाथ में मामला सौंपा बिल्कुल, कल प्रधानमंत्री की तरफ से ये साफ किया गया कि, कि सेना उन्नीस सौ इकहत्तर से स्वतंत्रता दे दी गई बेटा एक मिनट जी जी बेटा एक मिनट मैं आपको बेटा कहना चाहता हूं उन्नीस सौ इकहत्तर में मार्च उन्नीस सौ इकहत्तर के महीने में जो है इंदिरा गांधी ने फील्ड मार्शल सैम मैनेक शॉ को बुलाकर कहा था कि साहब अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है दस करोड़ इन्होंने जो है रिफ्यूजी हमारे देश में घुसेड़ दिए हैं और हम इसका भार सहन नहीं कर सकते हमारी इकोनॉमी बैठ जाएगी आप जो जरूरी है करिए आप अभी करिए उन्होंने कहा मैडम आप मुझे वक्त दीजिए मैं आपको हंड्रेड परसेंट जीत की गारंटी दूंगा आप अभी जाने को बोलेंगी मैं नहीं जा सकता ये उस वक्त उन्होंने कहा था आठ महीने बाद भारत की सशस्त्र सेनाओं ने पाकिस्तान के पहले वार के बाद ऐसा पलटवार किया कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए अब यह साइकिल आठ महीने का नहीं है यह स्पीड अप हो चुका है बहुत पानी बह चुका है गंगा में यमुना जी में और ब्रह्मपुत्र में तो मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारी रेंज ऑफ ऑप्शंस है सबसे लोएस्ट है सर्जिकल स्ट्राइक्स ट्रांस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक दुश्मन के कैंपों पे दुश्मन के खेमों पे। उससे अगला दर्जे हरारत है कि यही सर्जिकल स्ट्राइक डेप्थ में की जाए गहरे जाके की जाए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करें कुछ भी इस्तेमाल करें पैराड्रॉप इस्तेमाल करें आप बहुत गहरे जाके वार कर सकते हैं तीसरा दर्जा है मेजर फायर असोल्ट आपकी बोफ औरतों पर फिफ्टी फाइव 130 मिलीमीटर mm, आपके ग्रांड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर स्मार्ट लॉन्चर ये तबाही का मंजर मचा सकते हैं 40 से 120 किलोमीटर अंडर पाकिस्तान के उबाल सकता है वो पूरी जमीन ऐसी भारी कीमत देनी पड़ेगी कि लाशें बिछ जाएंगी सन 2003 में ठीक ऐसा ही किया सारी बातें हुई और जब एंकर मेजर जनरल बख्शी सुनिए जब जैसे ही इस बात का जिक्र होता है कि पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर अब जवाब देना होगा तो आरोप ये लगते हैं कि मीडिया वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है मीडिया में एंकर्स बैठकर बांटने की कोशिश कर रहे हैं ये तमाम लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे एक वॉर वेटरन होने तो के और नाते क्या ही? करें मैं... मैं उनको कहूंगा कि पाकिस्तान तो अहिंसा और पंचशील की बातें कर रहा है ना जो चालीस मारे हमारे वो किस खाते में आते हैं आपको केवल भारत का ही प्रॉब्लम दिखती है आप जाइए ना पाकिस्तान जो चालीस परिवार आज आंसू बहा रहे हैं वो किस खाते में आते हैं बेटा वो किस खाते में आते हैं हाँ वो जुलू कैटेगरी में नहीं है बेटा वो बड़े आम लोग हैं तुम्हारे मेरे जैसे उनकी जान चवानी में आती है और क्या वो पहले है जो मारे गए आप जानती हैं कुछ चीज मैं बता दूं आपको आज आंकड़े पिछले तीस साल से पाकिस्तान ये छाया युद्ध ये अप्रत्यक्ष युद्ध हमारे खिलाफ छेड़े रखा है इसके चलते इसके चलते कश्मीर में पैंतालीस हजार अफराध मारे जा चुके हैं सैनिक असैनिक पंजाब में यह दौर शुरू हुआ था 1980 की दशक में 21,000 हजार वहाँ मारे गए थे जी उन्नीस से उन्नीस से यह पूरे भारतवर्ष में दौर शुरू हुआ 15,000 उसमें मारे गए बच्चों जरा आप गणित करिए अस्सी हजार से ज्यादा मेजर जनरल जी इस देश को, को अपनी सेना पर पूरा भरोसा वाला वालों और कितनी लाशें चाहिए और कितनी लाशें बिल्कुल सर इस देश को अपनी सेना पर पूरा भरोसा प्रधानमंत्री की तरफ से देश को बता दिया गया है कि सेना सक्षम है खुद वक्त चुनकर तरीका चुनकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए लेकिन मैं सवाल आगे बढ़ाऊंगी उस दिशा में कि ये पाकिस्तान जो बार बार नापाक साजिशों को अंजाम दे जाता है ये कश्मीर में हमारी अपनी आस्तीन में जो सांप पले हुए हैं उनकी मिलीभगत के बिना तो हो नहीं पाता है तो उन आस्तीन के सापों का इलाज किस तरीके से किया जाए क्योंकि उन्हें कुचलना उनके फन को कुचलना इस वक्त तो लग रहा है कि अब और ढील नहीं दी जानी चाहिए जनरल बख्शी आपने बहुत सही सवाल उठाया बच्चे मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया हुआ है जब मैं जम्मू कश्मीर में नौकरी कर रहा था 2000 से 2005 तक लगातार मैंने तीन ट्रेनिंग वहां पे किए हैं जबकि लड़ाई चरम सीमा पे थी उस वक्त साढ़े चार हजार हथियार बन जो हैं, वो जम्मू कश्मीर की इलाके में थे सरजमी पर थे 2005 में हमने फेंस बना दिया था और जो जितने पहले हम मारते थे उतने वो इनफिल्ट्रेट कर देता था आज मार 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 कर हमने जो है ढाई सौ बना दिए हैं और इनफिल्ट्रेशन सत्तर से अस्सी प्रतिशत डिग्रेड लगा दिया गया है कम कर दी गई है और आज के चलते ढाई सौ पाकिस्तानी और ये दूसरे टेररिस्ट वहाँ पे लोकल और फॉरेन वहाँ पे जम्मू कश्मीर में रह गए हैं पहले इनकी शेल्फ लाइफ जो है महीनों साल में गिरी जाती थी अब इनकी शेल्फ लाइफ घंटों और दिनों और हफ्तों तक ला दी गई है और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये जो गाजी है जिसने ये पूरी घटना को सर अंजाम दिया है वो अब ज्यादा चंद दिनों का मेहमान है हमारे टाइम में जो जो आपके होते थे आईडी एक्सपर्ट वो टॉप प्रायोरिटी टारगेट होते थे ढूंढ ढूंढ कर उनको हम मार डालते थे पहले इसके पहले कि वो स्ट्राइक कर पाए इसके पहले कि वो नुकसान करे ये जो दार को बड़ा हीरो बनाया जा रहा है प्लीज मत बनाइए मत बनाइए वो तो मोहरा था एक कश्मीरी मोहरा जिसका पाकिस्तान के गाजी ने इस्तेमाल किया वो खुद क्यों नहीं आया मरने उस सुसाइड गाड़ी में इसको हिप्नोटाइज किया जाता है लोगों को मैं ये लड़ाई लड़ चुका हूं ये जो सुसाइड टेररिस्ट सो कॉल्ड इनको हिप्नोटाइज किया जाता है इनको बिल्कुल ड्रग्स दी जाती हैं हैं ताकि वो वो भी बड़ी बात कह रहे ब्रेन वॉश करके उनको जन्नत का सपना दिखाया जाता है कि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि अपने ही लोगों के खिलाफ वो किस तरह की जंग छेड़ रहे हैं आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनको ग्लोरिफाई ना किया जाए क्योंकि इससे पहले भी स्कूल हेडमास्टर का बेटा जैसी चीजें हम सुन चुके हैं पर मैं सीधा सवाल आपसे जनरल बख्शी पूछूंगी पाकिस्तान की सर्जरी के साथ साथ जिन आस्तीन के सापो की बात रोमाना ने की अलगाववादी उन अलगाववादियों का क्या इलाज है जो सुरक्षा बलों पर सवाल उठाते हैं जनरल बख्शी और सुरक्षा लेने से भी परहेज नहीं करते अलगावादी के नेताओं की बात यहाँ पर हाँ, की तरफ से की जा रही है अलगाववादी नेता हैं, क्यों ना जो ना दी जाए सुरक्षा क्यों मिले उन्हें जिन्हें हमारे सुरक्षा बलों पर भरोसा नहीं सुरक्षा तो आप छोड़ दीजिए बच्चे मैं कह रहा हूं ये हरियत के नेता ये देश के साथ हराम जदगी करने वाले ये जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है एनआईए ने कितना ऑन द टेलीविजन सुनाया गया था कितना एविडेंस जमा किया है कि ये क्या तस्करी कर रहे हैं क्या हवाला से पैसा लेके सारे जो है गदर जम्मू कश्मीर में ये उसको झोंक रहे हैं आग दे रहे हैं ये जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है क्यों छोटा सा नाटक होता है और फिर बंद हो जाता है कि जब तक पब्लिक भूल ना जाए इनको जेल की सलाखों के पीछे डालिए ये सारा जो लॉजिस्टिक नेटवर्क जो जो इन नेटवर्क है ये उसको चला रहे हैं दूसरी बात जी डी ये तो सिर्फ सेपरेटिस्ट नेताओं की तो बात हो रही केवल ढाई सौ आपके पोलिटिकल पार्टी के बारे में क्या कहेंगे ये जब सत्ता में होती हैं चाहे वो पीडीपी हो चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो तब इनके रंग अलग होते हैं और ये जैसे ही उस सत्ता से अप, अपना हाथ बाहर खींचती है यह फॉरन इनसेप्रेटिस्ट के गुणगान गाने लगती है इन सारे के सारे आतंकवादियों को ये भी तो एक तरीके से फ्रीडम फाइटर ही कह देते हैं मासूम बच्चों की उपाधि दे देते हैं आ बेटा बहुत बेटा बहुत अच्छा सवाल बहुत ही सटीक सवाल और टाइमली क्वेश्चन मैं जरा बताता हूं आपको ये हुरियत के जो 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 गद्दार हैं उनके बाद दर्जा आता है ये सॉफ्ट सेपरेटिस्ट का और मैं बताऊं जो ये वारदात पुलवामा में हुई है मैं महबूबा मुफ्ती को जिम्मेदार ठहराता हूँ क्यों मैं मैं आपको समझाता हूँ देखिए जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी उस वक्त एक वारदात हुई थी श्रीनगर के बाहर तीन चेक पोस्ट लगाए गए थे श्रीनगर के बाहर और वहां पे गाड़ियों की चेकिंग होती थी जो सड़कों पे घूमती हैं सिविलियन गाड़ियां एक सज्जन कश्मीरी उसमें आए अपनी मारुति कार में उनको रोका गया तो बहुत नाराज हो गए कि हिंदुस्तान की फौज जुलम कर रही है अब हमारी सरकार है हम तुमको बताएंगे वो पहले बैरियर से क्रैश किया दूसरे बैरियर के थ्रू क्रैश किया और तीसरे को भी क्रैश करके जाने वाला था जबकि जवानों ने रोकने की कोशिश करी नहीं रोका तो जवानों ने फायर खोला और वो वहीं ढेर हो गया क्या आप जानती हैं कि महबूबा मुफ्ती ने इतना रौला पाया इतना रौला पाया कि वो तीन जवान कोर्ट मार्शल हुए आज वो तिहाड़ जेल में है उस वक्त के तत्कालीन आर्मी कमांडर जनरल हुडा को बुलाया गया और कश्मीर की जनता से माफी मांगने पर बाध्य किया गया इसके बाद कौन कोई गाड़ी को चेक करेगा कोई तिहार जेल जाना चाहता है हमारा सिपाही और यही हुआ है जी। पाकिस्तान ने इसका पूरा फायदा उठाया कि महबूबा ने उसकी सेटिंग कर दी है और आपको एक मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपनी बात कह रहे हैं उन्हें सुनते हैं फिर आपके पास आए कहा है और आज भी दोहरा रहा हूं इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा आतंकी संगठनों ने आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें उन्हें सजा जरूर दी जाएगी हम अपने सैनिकों अपने सुरक्षा बलों के पराक्रम पर गर्व भी करते हैं भरोसा भी करते हैं सैनिकों में और विशेषकर सीआरपीएफ में जो गुस्सा है वो भी देश समझ रहा है और इसलिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है साथियों एक ऐसा देश जो भारत के बंटवारे के बाद अस्तित्व में आया जिसके यहां आतंकवाद को पनाह दी जाती है जो आज दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है वो आतंक का दूसरा नाम बन चुका है मैं देश को फिर भरोसा दिलाता हूं धैर्य रखने अपने जवानों पर भरोसा रखिए पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी कहाँ दी जाएगी कब दी जाएगी कौन देगा किस प्रकार की सजा देगा ये सब ये हमारे जवान तय करेंगे साथियों आज अगर हम पूरी सुरक्षा के साथ अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं देश का विकास कर पा रहे हैं तो उसके पीछे अनगिनत बलिदान है मैं पुलवामा के शहीदों को एक बार फिर नमन करता हूं साथियों देश की सुरक्षा के साथ ही देश की समृद्धि के लिए भी हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसलिए विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई युवा को कमाई बुजुर्गों को दवाई किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई पर बल दिया जा रहा है आज के लोकार्पण और शिलान्यास इसी सोच का विस्तार है भाइयों और बहनों किसी भी क्षेत्र के विकास में कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल होता है यवतमाल की प्रगति भी यहां की सड़कों और रेलवे से सुनिश्चित होनी है इसी भावना के साथ थोड़ी देर पहले सड़क से जुड़े करीब 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है इसके अलावा पुणे अजनी पुणे हमसफर एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई गई है प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके की सजा दी जाएगी कब दी जाएगी कैसे दी जाएगी सेना को इसकी खुली छूट दे दी गई है अब सेना को डिसाइड करना है और इसी पर बातचीत करने के लिए मेजर जनरल जी डी बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी डी बख्शी साहब इससे पहले आप ये कह रहे थे कि कैसे इंसर्जेंसी सबसे बड़ा नासूर और उसके बाद जो बात रुमाना ने आगे बढ़ाई फिर नेहा ने उसे आगे बढ़ाया कि वहां बैठे आस्तीन के साफ लेकिन मैं फिर से उन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ जिक्र करूंगी उनका क्योंकि आपने बार बार इस मुद्दे को उठाया है कि चेक पोस्ट हटा दिए जाते हैं आप गाड़ियों की चेकिंग नहीं कर सकते हैं और अगर चेकिंग की जाती है तो इस बात का रोना रोया जाता है कि हम पर शक किया जा रहा है देखिए यही तो बात है और बड़ी सी यू, सियोरोजित चाल के जैसे ये किया जाता है मैं आपको बताऊं वो चेक पोस्ट का रौला पाया चेक पोस्ट हटा दिए हमारे जवानों को बिल्कुल डरा दिया कि साहब कुछ करोगे तो तिहार जेल जाओगे हैं कश्मीरी तो स्पेशल है सब कानून उनके लिए तोड़े जा सकते हैं है? और उसके चलते साहब देखिए वहां पे जो पत्थरबाज हैं कोई 20 से चालीस हजार पत्थरबाज हैं जो आईएसआई के पैसे खा के रोज पथराव करते हैं ठीक है साहब और देशों में पत्थरबाजी की सजा पांच से पंद्रह साल है इसराइल में उम्र कैद ठीक है पत्थर एक घातक हथियार है सर पे लगे आप मर सकते हैं ठीक है लेकिन यहां पे बोले साहब ये तो बेचारे बच्चे हैं बीस हजार जेल में उनको छोड़ दिया गया दो दिन के बाद वो फिर फौज पे पत्थर डाल रहे थे एक जेसीओ घायल किया अफसर घायल किया मार डालने वाले थे बेचारों को जान के लिए फायर करने पड़ा एफ दर्ज हुआ आप मुझे बताइए सिरसा हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा वालों ने रॉयट की थी याद है आपको डेरा सच्चा सौदा वालों ने एक मजिस्ट्रेट वहां पे था टफ उसने आदेश दिए इनको ठिकाने लगाओ रिस्टोर द रूल ऑफ लॉ पुलिस ने फायर खोला एक दिन में 36 जो रॉयटर्स थे वो मारे गए कोई पुलिस का एफ दर्ज हुआ पुलिस के खिलाफ कोई कोई मानवाधिकार की चैपे हुई आपने देखा छर्रे चलते हुए आपने देखे वाटर कैनन चलते हुए नहीं साहब लेकिन अगले दिन वहां पे शांति थी शांती। कश्मीर में क्या स्पेशल है साहब कि छर्रे चला दिए आपने सुने वो कैंपेन हाय हाय दरंदगी फौज सीआरपीएफ छर्रे चला रही है क्यों साहब आपके लिए अलग कानून है क्या आप कोई यू आर हेवन बॉन्ड हम पे जी राज जी करने आए हो डी पक्षी मेजर जनरल जी डी बख्शी कुछ हद तक मेजर जनरल जी डी बख्शी हमने अभी तक जिन मुद्दों पर बात की आस्तीन के साथ नेहा की तरफ से जो हुरियत के नेता उन्हें लेकर सवाल उठाया गया रूबिका ने यहां पर सवाल उठाया जो कश्मीर की रीजनल पार्टीज हैं सर मैं बात को आगे बढ़ाती हूं और मैं सीधे दिल्ली पर पहुंच रही हूं सर दिल्ली पर मैं इसलिए पहुंच रही हूं क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए जो राष्ट्रीय दल हैं उनमें से कुछ टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथ सहानुभूति जता देते हैं और उन्हीं में से कुछ अफजल को जो शहीद का दर्जा दिलवाना चाहते हैं जो पत्थरबाजों पर से एफ वापस दिलवाते हैं उन्हीं के, के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं तो सर ये नीति तो दिल्ली से बदलनी चाहिए ना क्या आपको लगता है सीधे दिल्ली में ये नीति बननी चाहिए कि जिस कश्मीरी के हाथ में पत्थर होगा उस पर गोली चलेगी ये फैसला लेने की जरूरत है इस वक्त दिल्ली से बिल्कुल बड़ी सख्त जरूरत है पत्थर एक घातक हथियार है और जो पत्थर चलाता है उसे टेररिस्ट जैसे ट्रीट करना चाहिए वो भी टेररिस्ट है टेररिस्ट सपोर्टर है ओवरग्राउंड वर्कर है और अगर वो चोट पहुंचाता है जानी माली नुकसान करता है तो उसके ऊपर फायर खुलना चाहिए उसके ऊपर फायर खुलना चाहिए, क्योंकि रूल ऑफ लॉ सर्वोपरि है और एक आपने बहुत ही अच्छी बात कहीं बेटा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है जहां आप और मैं तकरीबन आठ लाख पर स्टूडेंट हमारे इनकम टैक्स से काट के वहां दिया जाता है सालाना और वहां पे नारे लगते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है साहब अफजल के कातिल के गुरु के कातिल वो सुप्रीम कोर्ट के जज जिन्होंने उसे मौत की सजाएं सुनाई हमारी पार्लियामेंट पे हमला करने के लिए उसके लिए जो आंसू दिल्ली में बहाए जाते हैं हमारे सिपाही वहां से पूछते हैं साहब अगर दिल्ली में ये हो रहा है तो हम यहां क्या कर रहे हैं झक मार रहे हैं जम्मू कश्मीर में और साहब अब उनके खिलाफ तीन साल के बाद सडिशन चार्ज फाइल हुए हैं यहाँ की दिल्ली की सरकार ने रोक चक्का जाम लगा रखा है क्या, क्या उनकी इजाजत दी है प्रोसिक्यूट करने की नहीं दी आप तो दिल्ली से शुरू करिए ना बिल्कुल, बिल्कुल सही फरमाया हमारी बिटिया ने बिल्कुल सही फरमाया आप दिल्ली से शुरू करिए फिर जाइए आगे सही बात है मेजर जनरल जी डी बख्शी यहाँ पर देखिए एक बड़ा सवाल यह भी है हमने बात की है वो जो अपने देश के भीतर रह करके हमें घाव देने की कोशिश कर रहे हैं आतंकियों के साथ हैं पाकिस्तान के साथ हैं और जब ऐसे हमले होते हैं तो सिर्फ निंदा जता करके साइड में हो जाते हैं पाकिस्तान के इलाज की हमने बात की लेकिन इसके अलावा जनरल बख्शी क्योंकि आप बिल्कुल फ्रंट पर रहे हैं आपने दुश्मनों से लोहा लिया है आप जानते हैं कि विकट परिस्थिति कैसी होती है ये जो सब कुछ हुआ जो इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ इसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं और मैं चाहूंगी जनरल बख्शी इस पर आप थोड़ी सी जानकारी हमें दें। मसलन ये कहा जा रहा है कि जैसे सेना का मूवमेंट आर्म्ड व्हीकल में होता है सीआरपीएफ के हमारे जो जवान थे वो बसों में क्यों जा रहे थे दूसरा बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अस्सी के का हाई ग्रेड आरडीएक्स एक साथ जमा करने में तकरीबन दस दिन का समय लगता है क्या इंटेलिजेंस को कानो कान खबर नहीं हुई वो गाड़ी में बैठकर लाइव स्ट्रीमिंग पाकिस्तान से कर रहा था जो हमारा इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर रहा है कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी भी तो बनेगी। इसे करना भी तो जरूरी है जब हम पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं Point. बिल्कुल सही बिल्कुल सही क्या आपने बिटिया? मैं आपको जवाब देता हूं और ये देश को समझना ज़रूरी है मैंने आपसे जिक्र किया था कि जब भी हमारी कॉन्वॉय जम्मू कश्मीर में चलती है तो उसके पहले रोड ओपनिंग पार्टी की एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि सुबह सुबह तीन चार बजे उठ के जवान रोड ओपनिंग करते हैं टॉरस इक्विपमेंट से रोड के दोनों साइड आईडीज के लिए रोड के अंदर गड़ी आईडीज के लिए चेक करते हैं और डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं इसके पहले कि मेन कॉन्वॉय जाए कॉन्वाय के आगे कॉन्वाय के पीछे कॉन्वाय के बीच में बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं हमारे पास इतनी बख्तरबंद गाड़ियां नहीं है कि 2000 से ज़्यादा जो हमारे सिपाही हैं उनको बख्तरबंद गाड़ियों में डाल के जाया छोटी कॉन्वाय बख्तरबंद गाड़ियों में जाती है बड़ी कॉन्वाय में आपको बीच बीच में बख्तरबंद गाड़ी लगानी पड़ती है देखिए इन्होंने बड़े ध्यान से स्टडी किया पाकिस्तान की आईएसआई ने जैश ए मोहम्मद ने कि ये हिंदुस्तान की फौज की ड्रिल है और उसने उसका तोड़ ढूंढा कि साहब गाड़ियों की चेकिंग तो महबूबा मुफ्ती ने बंद करा दी है हैं अब इसका फायदा उठाकर वो सिविल गाड़ी लेके कॉनवाय के साथ आए सिविल गाड़ी में एक्सप्लोसिव था 200 सौ के जी की बात की जा रही है ज्यादा की भी बात की जा रही है आ, कई अलग अलग खबरें आई हैं पहले आरडीएक्स की बात हुई थी अब अमोनियम नाइट्रेट बताई जा रही है जो कि आप ओवर द शेल्फ खरीद सकते हैं और जो माओस्ट आई डी भी हैं वो अमोनियम नाइट्रेट की होती है इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि वो तो हमारे माइंड प्रोटेक्टेड कैस्पर वहीकल को 80 फुट हवा में उड़ा दिया है ठीक है 200 300 केजी में इतनी ताकत होती है और ये साहब पाकिस्तान के मास्टरमाइंड का काम है ये एक लोकल छोकरे का काम नहीं है ये जो दार 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 जो बार बार किया जा रहा है वो बेचारा मोहरा था उसको इस्तेमाल किया ये गाजी ने पाकिस्तान के गाजी ने इस्तेमाल किया खुद नहीं आया वो स्यूसाइड करने उसने एक कश्मीरी मोहरा आगे किया जिसको ड्रग खिलाई जिसको हिप्नो कंट्रोल किया उसको मरवा डाला खुद नहीं मारा आपने नोट किया इतना अगर सुरमा है तो वो खुद नहीं आया सुसाइड करने नहीं नहीं उसने अपने दोनों भतीजों का बदला लेने के लिए उसने किसी और के परिवार को की पूरी प्लानिंग कर दी मेजर जनरल जी डी बख्शी नजर आ रहा है लेकिन उन लोगों को क्यों नहीं नजर आ रहा है जो आज की तारीख में बैठ कर ये पैलेट गन को लेकर और ह्यूमन राइट को लेकर आज तो कोई कैंडल लाइट के लिए नहीं निकल रहा है आज तो कोई तख्तिया लेकर बाहर नहीं निकल रहा है उनकी बात करूं उससे पहले ये पाकिस्तान जो हमेशा डिनाइल मोड में रहता था मैं देख रही हूं अब तो ये ये देखिए एक एक हेडलाइन पढ़ के सुनाती हूं मैं जी डी बख्शी फ्रीडम फाइटर लॉन्चेस अटैक फोर्टी फोर ऑफ ऑक्युपाइज ऑक्यूपाइंग फोर्स किल्ड इन आईओके ये द नेशन की अखबार की सुर्खियां मैं पढ़ के बता रही हूं यानी ये लोग अब आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर कहने लगे खुले तौर पर पूरी दुनिया के सामने देखिए साहब ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर वन नाइन सिक्स सेवन है ये साफ कहती है नो कॉज बट नो कॉज जस्टिफाइज द यूज ऑफ टेरर जिसमें औरतें बच्चे बूढ़े सब मर सकते हैं ठीक है ये तो कानूनी पोजीशन है जहां तक पाकिस्तान का सवाल है जैश ए मोहम्मद ने शर्म इजहार किया है शान से बोला है कि हमने यह किया जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है पाकिस्तान की सीधे सीधे इसके बाद जिम्मेवारी बनती है कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं साहब ये तो इजहार किया है कबूल किया है रूफ टॉप से चिल्ला के बोला है कि हमने किया छाती थोक के बोल रहे हैं कि हमने किया तो अब भुगतो अब भुगतो ये मजाक नहीं है कि आप जब चाहे आके हिंदुस्तानियों का आखेट करो शिकार करो आ? बिल्कुल ये भेड़ बकरी नहीं है ये तो आपको बता दिया जाएगा जी। यू विल बी ये वह मुल्क है जिसने तुम्हें उन्नीस में ये वो सशस्त्र सेनाएं हैं जिन्होंने उन्नीस सौ इकहत्तर में इस पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे बिल्कुल मेजर जनरल जी डी बख्शी दुनिया देख रही है किस तरीके से पाकिस्तान है में पल तो रहा यह आतंकवाद जो भारत के लिए नासूर बन रहा है हम सब इस बात को देख रहे हैं और पूरा देश बदला चाहता है पाकिस्तान से सरकार साफ कहती है कि गोली और बोली साथ नहीं चलेगी लेकिन उन नेताओं के लिए क्या कहा जाए सर जो इस 40 जवानों की शहादत के बाद भी बात करते हैं बात करने की वकालत करते हैं सर कबूतर उड़ाने की और यह भी ज्ञान देते हैं देशवासियों को कि साहब आतंकवाद का कोई देश नहीं होता आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा किस तरफ है सर वही जो सीमा के उस पार जाते हैं और वहां जाकर वहां के सेनाध्यक्ष को जो हमारी पीठ पर छुरा घोपने में कभी देरी नहीं करता उसके साथ गलबहिया करते हैं ऐसे नेताओं को आप क्या कहेंगे आज बेटा मैं आपका इशारा पूर्ण रूप से समझ गया हूं आपका संकेत किस ओर है और मैं उसको उसकी भाषा पंजाबी में कहूंगा पगड़ी संभाल जगता पगड़ी संभाल अपनी पगड़ी की इज्जत करो अपनी पगड़ी की इज्जत करना सीखो आज इस देश की पगड़ी पे हाथ आ रहा है शर्म करो तुमने जब भी मारी उस जनरल बाजवा को जो सीधे सीधे इस हमले के पीछे है क्या आप जानती हैं कि जनरल बाजवा नवंबर के महीने में रिटायर होने वाला है और वो नहीं चाहता रिटायर होना वो एक्सटेंशन चाहता है इमरान खान उससे कतराता है क्योंकि उसका मोहरा है इमरान खान इमरान खान को गद्दी पे जनरल बाजवा ने बिठाया है इसलिए वो चाह रहा था किसी और को दी जाए तो एक तमाशा करने का एक जो है मंसूबा बनाया है जनरल बाजवा ने जिसके चलते भारत पाकिस्तान में युद्ध की स्थिति आए और उसे एक्सटेंशन मिले साहब अब चीफ कैसे रिटायर हो सकता है आप समझ गए आपने किसको चप्पी मारी है मैं फिर कहता हूं और फिर सुन लो पंजाबी में पगड़ी पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालो नहीं जनरल बख्शी जो आप कह रहे हैं ना उससे पूरा देश एक साथ हो रहा है क्योंकि इस वक्त बातचीत की बात करना समझ नहीं आता है कि कहां से क्या सोच कर क्या ये जवान उन्हें अपने नहीं लगते क्या ये देश उन्हें अपना नहीं लगता जब वो इस तरह की बात करते हैं अगर कुछ अच्छा नहीं कह सकते कम से कम चुप रहे, चुप रहे। इसकी तो उम्मीद उनसे की जा सकती है लेकिन मुझे एक चीज और बताइए जनरल बख्शी आपने कहा पाकिस्तान की जो हालत है आर्थिक रूप से पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सूट बूट पहनकर हाथ में कटोरा लेकर पैसे मांगने जाने कहां कहां जाते हैं पाकिस्तान चीन से डरता है पाकिस्तान अमेरिका के सामने मुंह नहीं खोलता भारत क्या करे कि पाकिस्तान के भीतर भारत को लेकर के भी डर बैठे हम उसके पड़ोसी हैं जब जब वॉर हुई हमने पाकिस्तान को धूल चटाई है मुंह की खानी पड़ी है पाकिस्तान को लेकिन अब वक्त आ गया है कि भारत ये बताए कि चीन और अमेरिका ही नहीं उनका भी बाप है भारत अगर पाकिस्तान भारत को यूं ललकारता है नेहा बिटिया हमारे देश में एक कहावत है भय बिन प्रीत नहीं आप समझे भय बिन प्रीत नहीं आचार्य चाणक्य कह गए हैं कि ऐसे लोगों के लिए दंड का इस्तेमाल सेना का इस्तेमाल करना अनिवार्य हो जाता है कौन सी कोशिश हमने नहीं करी पाकिस्तान से सुलह करने की वाजपेयी जी लाहौर बस में गए हमें कारगिल का हमला हमारी पीठ में छुरा गया मोदी जी तीन बार पाकिस्तान के चक्कर लगा चुके हैं उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भुलाया उसके पोती की शादी पे गए वो नवाज शरीफ को ही आज जेल के अंदर सलाखों के पीछे डाल दिया गया ठीक है साहब और हमको मिला पठानकोट उड़ी और अब पामपोर तो साहब ये ये कब तक चलेगा ये सिलसिला हम जो है एक गाल आगे करते रहे और आप समझते कि हम दूसरी गाल आगे करें तमाशे के लिए दूसरे आई थिंक वी है वो गिरी का जमाना नहीं है साहब शराफत का जमाना नहीं है और खासकर जब आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जो कि पागल कुत्ते जैसे ये देश खुद तो डूब रहा है हर किसी को काट रहा है और जब तो कुत्ता पगला उसे जाता बंदर है उसके हाथ में तो उस तरह है पाकिस्तान को अगर डिफाइन करना हो न्यूक्लियर वेपन के साथ तो यही कहा जा सकता है कि वो बंदर जिसके हाथ पे उस तरह है इस वक्त लेकिन हमें जो जनरल जी डी बख्शी आपसे हम इजाजत लें और हम इस कार्यक्रम को रैप अप करें वो शहीदों की तस्वीरें देखकर हम घबरा रहे हैं हम परेशान हो रहे हैं वो यंग जवान वो लोग जो घर के कमाई के इकलौता सूत्र हुआ करते थे सोस हुआ करते थे सर आज उनके कफन में लिपटी लाश और अब तो आप उसे पार्थिव शरीर भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि जैसे पर खच्चे उड़े हैं गाड़ी के हम सोच भी नहीं सकते कि क्या सुपुर्द कर रहे हैं हम उन परिवारों को बेटा क्या मैं एक बात कह सकता हूं नेहा बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे बड़े भाई साहब कैप्टन सृष्टि के युद्ध में माइंस के फटने से मरे थे -16 जो छाती तक जंप करता है और ज्यादातर अंतरिया आंतरिया सब बिछा देता उनके छोटे 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 टुकड़े हुए थे वहां लोगों ने इकट्ठे किए जवानों ने और वहीं दाह संस्कार किया कि हमारी फैमिली देख नहीं पाए हमें सिर्फ एक कांस का बर्तन मिला ओ? हमें सिर्फ एक कांस का बर्तन मिला जो हमने नर्मदा जी में बहा दिया आज इन पे क्या गुजर रही है मैं अच्छी तरह जानता हूं अपने छह सिपाहियों का अंतिम अंतर्ष्टि क्रिया उन दिनों जो कमांडिंग ऑफिसर था उसको करनी होती थी क्योंकि ताबूत में ये जो बॉडीज हैं वापस नहीं भेजी जाती थी जब मैंने छह की मैंने अंत्येष्टि क्रिया करी चिता को अग्नि दी अपने छह लड़कों को सैतीस साल की उम्र से मेरे बाल सफेद हैं, ये असर पड़ता है जिसके अंदर दिल हो साहब आपको उनकी संवेदना समझनी पड़ेगी ये केवल चालीस का आंकड़ा नहीं है मैंने आपको अस्सी हजार भारतीय लाशों का हिसाब दिया है अभी तुम शांति की बात करोगे अभी तुम गांधीवाद की बात करोगे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल जी डी बख्शी और जिस तरीके की आपकी भावनाएं हैं सर यकीन मानिए इस वक्त पूरे देश की भावनाएं इसी तरीके की पूरे देश में इस वक्त शोक तो है लेकिन शोक सदमे और गम से ज्यादा देश में इस वक्त गुस्सा है और देखिए इस महाशोक की घड़ी में पूरा देश चाहता यही है कि जवाब दिया जाए मुंह तोड़ आतंकवाद को और उस देश को जो आतंकवाद का सरपरस है जो आतंकवाद का सबसे बड़ा रहनुमा बनकर दुनिया के नक्शे पर है और वो देश है पाकिस्तान पाकिस्तान से बदला लो ये देश की मांग इस वक्त बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल जयरी बख्शी हमारे साथ बने रहने के लिए शो में